इलाहाबाद ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है, नए दिल्ली आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो इस समय शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, जो कि हम निकलने वाले हैं स्टेशन तरफ और पूजा भी बुलवाना है हमको आज, तो इसलिए मैं चावल बज के बाद मूंगफली वगैरह घर से लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं ये मूँगफली भी लिया हूँ, जो कि ये लगभग 1 किलो के लगभग है, 1/2 किलो घास है। और उसके बाद ये राइस भी लिया हूँ, ये पूजा वाला ये चावल है जो कि बहुत अच्छा है। और इसको मैंने बंगाल से लेके आया हूँ, गया था बंगाल जब वहाँ से लेके आया हूँ। तो इसको चलते अभी हम लोग पूजा वाले के पास भिजवाते हैं और आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए भी चल के देखते हैं और उसके बाद चलते चलते आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों, देखिए इसको हम पंडित इसमें डाल लेते हैं घर में, फिर चलते हैं और वहाँ की पूजा वाले के पास भिजवाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो के चावल कैसा होता है पूरा दिखाते हैं। आइए चलते हैं, खोल के फटाफट साइकिल का, इसके बाद हम चलते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और काम ऐसे भी खराब हो रहा है, जल्दी जल्दी चलते हैं तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ये लीजिएगा, दोस्तों अब हम जा रहे हैं जो कि दोस्तों चल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग त्रिवेणीपुरम पहुंचने वाले हैं, चल के फटाफट भुजवाते हैं क्योंकि शाम भी होने वाला है, नहीं तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा और हमको तेज साइकिल चलाना पड़ेगा दोस्तों। जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई पड़ता है, नीचे रेलवे क्रॉसिंग है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा तेज चलाना पड़ रहा है, नहीं तो साइकिल चल नहीं पाएगी दोस्तों। ये रेलवे क्रॉसिंग है नीचे से, ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर चढ़ गए हम लोग, ये अब इधर थोड़ा सा ढाल है, यहाँ पे साइकिल नहीं चलाना पड़ रहा हमको। आप लोग देख सकते हैं मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक जा रही साइकिल हमारी, देखते हैं कहाँ तक जाती है। चलते हैं, थोड़ा आप चलाते हैं नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं भुजा की दुकान पर, ये आप लोगों को ये स्टेशन दिखाई दे रहा होगा झूसी वाला, जो कि यहीं पे ये भुजा की दुकान लगती है। ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा ऊंचाई है, मैं पहुंच गया हूं भुजा की दुकान पर, अब यहां पे मैं अपना भुजा बनवाऊंगा, जो क्योंकि दीपक भाई लगाते हैं यहां पे, काफ़ी सालों से लगाते हैं और जो कि मैं डेली आके यहां पे चबाता भी हूं, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। और आज तो वैसे दोस्तों मैं अपना खुद का लेके आया हूँ घर से बनवाने के लिए, तो आइए बनवाते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से ये बनाते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों जो कि देख सकते हैं आप लोग, हम दीपक भाई को दे दिए हैं अपना पैकेट, दीपक भाई खोल के भूज रहे हैं, आइए पास से देखते हैं किस तरीके से भूजते हैं, आपको वीडियो में हम दिखाते हैं। देख सकते हैं दीपक भाई ये चावल हमारा कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो कि बंगाल से हम लाए थे, देखते हैं इसकी चावल है। अच्छा ये तो आप ही लोग बता सकते हैं इसकी क्वालिटी, हमें क्या पता,
देखते हैं भुजाने के बाद ये चावल कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है। बहुत मीठा लगे। हाँ। नंबर इसका वाला जबकि हम दीपक भाई से चेक भी करवाएंगे कैसे है ये बताएंगे। हाँ बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही होता है। हाँ यही वाला खाते हैं, यही वाला खाते हैं बिहार। कहलिया वाला चावल। हाँ कहलिया वाला चावल मिलता अपने यहाँ भी, लेकिन वहाँ का कुछ क्वालिटी दूसरा ही। वहाँ के लोग हमको बताएं जो वहाँ से लोग आए हैं यही चावल आज भी दाल चावल बनाकर खाते हैं। अच्छा हम लोग को मुँह नहीं लगा है। हाँ सही। हाँ भुजिया चावल बोलते हैं इसको। ये दीपक भाई बना दिए, देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा लेके, हम इतना लेके आए जो कि इतना हो गया है। अच्छा नंबर वन चावल है जो कि दीपक भाई बता रहे हैं। चावल को आप चाय के साथ खाइएगा, करें बहुत अच्छा है। तो हम चल के घर पे ही देखेंगे। वैसे तो वहाँ पे गए थे हम, चबाए थे तो स्वादिष्ट लगा था। अभी अभी खा के आया हूं क्योंकि दो तीन महीने से ले आके इसको रखा भी हूँ। और आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी जबकि ट्रेन जा रहा है, स्टेशन जाम है। जो कि दोस्तों ये हमारा लाई हो गया है। मूँगफली भी दीपक भाई भूज रहे हैं। अभी लाई भी बचा है, ये चावल बचा है, भूज रहे हैं। दोस्तों हमारा ये भूजा बन गया है, मूंगफली बन गया, लाई बन गया है। अब हम यहाँ से लेके घर के लिए निकलते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर आके इनका लाई चना चबाइएगा जो कि झूसी स्टेशन पर ये दीपक जी लगाते हैं। आप लोकल वालों के, दूर वाले तो भाई नहीं आ सकते हैं, मैं लोकल वालों के लिए बताना चाहूँगा, एक बार आप लोग जरूर आके टेस्ट करिएगा। तो आइए अपना भूजा लेके उठा के फिर चलते हैं घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।